नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अहमद हुसैन आप सबका खैर मकदम करता हूँ एएमयू किचन्स में। चना दाल फ्राई का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। ढाबे पर मिलने वाली चना दाल फ्राई का स्वाद तो लाजवाब होता ही है। कई लोग तो ढाबे का रुख ही सिर्फ चना दाल फ्राई स्वाद लेने के लिए करते हैं। चना दाल स्वाद में भरपूर होने के साथ ही पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। तो चलिए जाने ये चना दाल फ्राई एएमयू किचन्स में बनी तो कैसे बनी। ये हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हमने चना दाल फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि 3 प्याज, 2 मिर्च, 1 टमाटर, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी हरी धनिया और 1 कप चने की दाल। सबसे पहले हम लोग चने की दाल को धो लेते हैं क्योंकि ये रॉ आती है और उसको धोना बड़ा जरूरी होता है। दाल धोने के लिए कोई ब्रश नहीं आता भाई, आपको अपने हाथ से ही ये दाल धोनी पड़ेगी और हाथ से मसल मसल के कुछ इस तरह से इस दाल को धो लीजिए, फिर पानी बदल दीजिए तो आपकी दाल धुल जाएगी। ये प्रोसेस आपको 3 से 4 बार करना होगा, यानी कि दाल धोने का प्रोसेस। तो चलिए अब हम लोग दाल गला लेते हैं और इस धुली हुई दाल को प्रेशर कुकर में डालते हैं। साथ में इसमें डालते हैं तकरीबन 2 कटोरी पानी, फिर डालेंगे इसमें हम लोग थोड़ा सा हल्दी पाउडर और जरा सा लाल मिर्च पाउडर। नमक आप लोग स्वाद अनुसार कर सकते हैं, कम या ज्यादा। इन सबको अच्छे से मिला दीजिए और इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इस दाल को जल्दी गलाने के लिए। फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके रख दीजिए इंडक्शन या अपने गैस के ऊपर। अब आप इंडक्शन में बनाए या गैस में बनाए बात एक ही है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंडक्शन। तब तक हम लोग इन सब्जियों को काट लेते हैं। जब तक कि आपकी दाल गल रही है हम लोग सब्जियों को काट लेते हैं। ये देखिए सब्जियां भी कट चुकी हैं और इधर हमारी दाल की पहली सीटी आ चुकी है। पहली सीटी आने के बाद दाल को गलने में तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा, यानी कि समझिए एक सीटी आने के बाद अपने गैस की या इंडक्शन की फ्लेम को लो कर दीजिए या टेम्परेचर को लो कर दीजिए, बात एक ही है। 15 या 20 मिनट कुक होने के बाद इसका जो प्रेशर है उसको खुद ब खुद निकलने दीजिएगा, आप जबरदस्ती मत करिएगा। और जब ये प्रेशर सारा निकल जाए तो आपकी दाल गल चुकी है। वो वाली दाल नहीं, ये वाली दाल। ये देखिए कितनी अच्छी आपकी दाल गल चुकी है। तो चलिए अब हम लोग चना दाल फ्राई का तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए हमने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और वही इंडक्शन का। इसमें हम लोग तकरीबन इतना रिफाइंड ऑयल डालेंगे ताकि आपका तड़का तैयार हो सके और इस रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 खड़ी लाल मिर्च, तकरीबन 1 चम्मच जीरा और इन सारी चीजों को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जीरे को चटकते ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो होममेड है वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक की जो महक है वो चली जाए और इस ट्रिक से इस दाल में कुछ अलग ही टेस्ट आएगा। और जब लहसुन अदरक की भुनी हुई खुशबू आपके नाक में आने लगे तो जो प्याज आपने काट के रखी थी वो सब इसमें डाल दीजिए और इस प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि आपका प्याज कलर बदल रहा है। ये देखिए आपके प्याज ने कलर बदल दिया है। इस चीज को होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा तो धैर्य रखिएगा। फिर हम लोग डालेंगे इसमें जरा सी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से पकाएंगे और चलाते रहेंगे। आप देखेंगे कि आपके मसाले का तेल रिलीज हो चुका है। अब आप इसमें जो टमाटर आपने काट के रखे थे वो डाल दीजिए और इन सारी चीजों को भी अच्छे से पकाइए और मिलाइए और चलाइए। अपने मसाले को 1 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए ताकि इसकी खुशबू उन मसालों के अंदर ही जज्ब हो जाए, जज्ब यानी कि अंदर ही मिल जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अपने मसाले को चला के जरूर देख लीजिएगा कहीं नीचे से जल तो नहीं रहा है। और ये लीजिए आपका तड़का तैयार हो चुका है। अब इस तड़के में ही वो जो दाल आपने गलाई थी ना, वो सारी की सारी दाल इस तड़के में ही डाल दीजिए और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए आपकी चना दाल फ्राई बिल्कुल तैयार है। जैसे ही आप थोड़े से बबल अपनी दाल में पाएंगे ना, वैसे ही कटा हुआ धनिया आप ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल दीजिए, इससे एक अलग टेस्ट आपको मिलेगा। और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जो आपने मिर्चे काट के रखे थे उनको भी आप दाल में मिला दीजिए। ये सारा प्रोसेस आखिरी में होगा, बस महज 1 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए और उसके बाद खोल के देखेंगे तो आपकी चना दाल फ्राई बन के तैयार है सर्व करने के लिए। ये देखिए
आपकी चना दाल फ्राई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गाढ़ी गाढ़ी खुशबूदार, टेस्ट में ऐसी कि कोई भी आपकी तारीफ किए बिना मानेगा नहीं। तो सर्व करिए, कभी भी आप ये चना दाल फ्राई खा सकते हैं। रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, जैसे चाहे ये चना दाल फ्राई आप खा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए और हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन सी रेसिपी के ऊपर लेकर आएं। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।